अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आप लोग ने लास्ट मेरा जो केस नंबर 55 था उस पर किसी ने भी मुझे कमेंट नहीं किया। क्यों? कुछ तो आप लिखे हैं उसको सुन के भाई अच्छा लगा, नहीं हेल्पफुल था क्या? नहीं, कुछ तो आप लोग लिख दिया करें ना। कितनी दफ़ा मैं आपसे कहती हूँ, कमेंट ही नहीं करते। और अपने दोस्तों को भी बताया था कि वो सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल, अगर आपने किया हुआ है तो। नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? आज जो मैंने आपके लिए केस प्रिपेयर किया है ना, केस नंबर 56 है। और ये मैंने पुराने यानी कि पास्ट FCPS 2 के पेपर्स में से लिया है जो मैंने हल किए थे अपने रेजिडेंसी के ज़माने में, ठीक है? तो इसमें उन्होंने पूछा था कि अ 17-year-old वुमन इज़ एडमिटेड विद इंक्रीज्ड फटीग एंड पेलर फॉर 3 मंथ्स। देर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक ब्लड लॉस। शी हैज़ नॉट टेकन एनी मेडिकेशंस। शी इज़ मार्केडली पेल विथ हिपेटोस्प्लीनोमेगैली। हर इन्वेस्टिगेशन शो हीमोग्लोबिन 8.0 ग्राम पर डेसीलीटर विद नॉर्मल MCV, नॉर्मल TLC एंड DLC एंड प्लेटलेट काउंट, ठीक है? तो ये उन्होंने पूछा है आपसे कि एक यंग लड़की है 17-year-old की, उसको बहुत ज़्यादा 3 महीने से बहुत थकन हो रही है, लिथार्जी हो रही है, कोई हिस्ट्री उसका ब्लड लॉस का नहीं है। अब देखें, उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया ब्लड लॉस, सही है, और उसने कोई मेडिकेशंस भी नहीं ली हुई, तो इसमें एक उन्होंने डायग्नोसिस जो डिफरेंशियल बन रही थी वो भी एक्सक्लूड कर दी। और उस बहुत ज़्यादा वो एनिमिक है देखने ही में क्लिनिकली, और उसका लिवर और स्प्लीन एनलार्ज है। और इन्वेस्टिगेशन जब करवाई है तो हीमोग्लोबिन 8 ग्राम्स है, MCV उसका नॉर्मल है यानी कि 80 फेमटोलीटर्स, नॉर्मल टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, DLC भी नॉर्मल है, प्लेटलेट काउंट भी नॉर्मल है, ठीक है? तो आपने ये हिस्ट्री देख ली। अब ना उन्होंने पूछा है, दो क्वेश्चंस पूछे हैं। नंबर वन, व्हाट आर द पॉसिबल कॉसेस ऑफ एनीमिया, नेम 5 कंडीशंस। अब इस सिनेरियो में 5 पॉसिबल कंडीशंस पूछी हैं। और फिर दूसरा सवाल है, लिस्ट 5 इन्वेस्टिगेशंस विद जस्टिफिकेशन। तो अब इसको हम कैसे करेंगे? अब पहले का जवाब यह है पॉसिबल कॉजेज। अब इसको जो है ना, एनीमिया विथ हिपेटोस्प्लीनोमेगैली और एक यंग पेशेंट है वो, तो अगर हम ब्लड लॉस एक्सक्लूड कर देना तो दूसरा एक कंडीशन होती है हिमोलिसिस, ठीक है? तो ब्लड लॉस उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया तो हिमोलिटिक एनीमिया हो रहा है उसको। अभी मैं बताती हूँ कैसे। तो आप पहला कंसिडर करेंगे हीमोग्लोबिनोपैथीज, पेरी डिफरेंशियल, दूसरा हेरिडिट्री स्फीरोसाइटोसिस, फिर तीसरा ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया, चौथा लुकीमिया, और पांचवा लिम्फोमा। मतलब आप बहुत सारी कंडीशंस में कर सकते हैं ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी, और कितनी चीज़ें और हो सकती हैं, जितनी भी हिमोलिटिक एनीमिया की आपको आती हैं वो सब आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है? लुकीमिया लिम्फोमा भी हो सकता है। लेकिन उसको अब 5 इन्वेस्टिगेशंस उन्होंने पूछी हैं जिससे आपकी डायग्नोसिस कंफर्म हो। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, CBC उन्होंने बताया हुआ, लेकिन उसमें उन्होंने सिर्फ हीमोग्लोबिन और MCV बताया। अभी हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी हैं। तो CBC विथ पेरिफेरल स्मियर, पहला तो ये हो गया। दूसरा, हमेशा जो है अगर आपको हिपेटोस्प्लीनोमेगैली, पेलर, एनीमिया मिल रहा है, रेटिकुलोसाइट काउंट करानी चाहिए। तो रेटिकुलोसाइट काउंट अगर कम आए तो अलग पाथवे होगा आपकी इन्वेस्टिगेशन का, ज़्यादा है तो अलग होगा, ठीक है? फिर आप LFTs कराएंगे। अगर हिमोलिटिक एनीमिया आ रहा है तो ज़ाहिर है हिमोलिसिस हो रही है, ब्लू रिबन टूट रही है, ओ सॉरी हीमोग्लोबिन टूट रही है, तो बहुत सारी ब्लू रिबन बन रही होगी, LDH और यूरिन DR, ठीक है? इन 5 के ऊपर ना आप सही डायग्नोज कर सकते हैं। अब आप अप्रोच क्या हो गया आपके पेशेंट के लिए? पहला तो आप रेटिकुलोसाइट काउंट कराएंगे, इसमें MCV भी दिया हुआ है कि नॉर्मोसिटिक है उसको, ठीक है? माइक्रोसिटिक नहीं दिया हुआ। तो इफ रेटिकुलोसाइट काउंट इज इंक्रीज्ड, अगर इंक्रीज्ड आ गई तो 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो ब्लड लॉस हो रहा है नंबर वन, या फिर हिमोलिसिस हो रहा है। अब ब्लड लॉस तो उन्होंने हिस्ट्री में एक्सक्लूड कर दिया कि ब्लड लॉस नहीं है, ठीक है? अब दूसरा, आप जो कराएंगे ना रेटिकुलोसाइट काउंट को देखेंगे कि वो लो है या हाई है, ठीक है? तो लो अगर आ रही है रेटिकुलोसाइट काउंट, यानी कि 1 होती है नॉर्मल, 1 to 2, उससे भी कम आ रही है, तो आप देखेंगे
सीबीसी को अगर हाइपोक्रोमिया और माइक्रोसाइटोसिस है, जो इसमें नहीं है, ठीक है, हाइपोक्रोमिया और माइक्रोसाइटोसिस है, तो आप फिर फेरेटिन लेवल चेक कराएंगे, लो फेरेटिन आ जाता है तो इन्वेस्टिगेट फॉर आयरन डिफिशेंसी, यानी कि सीरम आयरन फेरेटिन TIBC ये कराएंगे आप, अगर रेटिकुलोसाइट कम आ रही है, यानी कि बन ही कम रहे हैं, लेकिन ठीक है बन कम रहे हैं या डिस्ट्रॉय ज़्यादा हो रहे हैं, तो बन तो कम नहीं रहे हैं क्योंकि माइक्रोसाइटोसिस आपको नहीं मिल रहा है इस केस में। अगर CBC शो करे कि उसमें टारगेट सेल्स आ रहे हैं, बेसोफिलिक स्टिपलिंग्स आ रही हैं विद हाइपोक्रोमिया एंड माइक्रोसाइटोसिस, तो फिर आयरन स्टडीज आपकी नॉर्मल आ जाएंगी। उस सूरत में आप हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, इट इफ़ इट शोज इंक्रीज हीमोग्लोबिन A2 इट इज़ बेट बीटा थैलेसीमिया ट्रेट, इफ नॉर्मल HbA2 इट इज़ अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट, ठीक है। अब CBC काउंट जो है वो डाइमॉर्फिक अगर पिक्चर बता रही है, देन परफॉर्म बोन मैरो बायोप्सी, इट कैन शो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। तो हमारे पेशेंट में ना ये चीज़ नहीं आ रही है, ठीक है, माइक्रोसाइटोसिस नहीं है, बेसोफिलिक स्टिपलिंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं बताया हुआ उन्होंने, तो और उसको ब्लीडिंग भी नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे सिंपली। और दूसरी एक कंडीशन होती है कि CBC नॉन स्पेसिफिक है, जैसे इसमें है, विथ नॉर्मल MCV एंड इफ फेरेटिन इज़ नॉर्मल और हाई, कंसिडर एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। फिर भी आप फेरेटिन करा के देखेंगे, अगर वो हाई आ गया है या नॉर्मल आ रहा है तो क्रॉनिक डिजीज़ का एनीमिया हो जाएगा। इफ़ हीमोग्लोबिन इज़ लेस देन 8 g/dL और नहीं उसकी डायग्नोसिस बन रही, तो कंसिडर बोन मैरो बायोप्सी विच रिवील्स लो आयरन स्टोर्स। अगर उसको फेरेटिन कम आ रहा था या नॉर्मल आ रहा था, तो आप फिर बोन मैरो बायोप्सी करा के देख सकते हैं, उसमें लो आयरन स्टोर्स आ जाएंगे, वो कंफर्म कर देंगे एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। अब ये तो मैंने आपको इसलिए बताया है कि आप किस तरह से ना इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो अब ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इस पेशेंट में नहीं है, ठीक है। इस पेशेंट में क्या है, रेटिकुलोसाइट काउंट अगर आप कराएंगे ना तो वो हाई आ जाएगी। तो लो का हमने डिस्कस कर लिया, अब अगर रेटिकुलोसाइट काउंट का हाई आ गई है तो पेरिफेरल फिल्म आपने देखी फिर से, उसमें आपको स्फीरोसाइट्स हो सकता है दिख जाए, तो आप स्फीरोसाइट्स अगर दिखेंगे तो आप डायरेक्ट कूम्स टेस्ट कर लेंगे। अगर कूम्स टेस्ट पॉजिटिव होगा तो वो इंडिकेट करेगा ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, ये आपकी डायग्नोसिस बन जाएगी। अगर डायरेक्ट कूम्स टेस्ट नेगेटिव आ जाए तो फिर आप हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस और इन्फेक्शंस लाइक मलेरिया और क्लॉस्ट्रीडियल इन्फेक्शन आप सस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर कूम्स टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो आप ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया करेंगे, नेगेटिव आ रहा है कूम्स टेस्ट तो हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस या फिर मलेरिया या क्लॉस्ट्रीडियल इन्फेक्शंस, ठीक है। अगर पेरिफेरल फिल्म में कोई स्फीरोसाइट्स नहीं आ रहे तो आप हेरिडिटरी एंजाइमोपैथीज सस्पेक्ट करेंगे, मसलन ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी, उसमें कोई स्फीरोसाइट्स नहीं होंगे लेकिन उसमें जो है ना वो स्पेसिफिक मेडिकेशन से प्रेसिपिटेट होता है, जब कोई ऐसी दवा खा लेते हैं उनको फिर ये हिमोलिसिस होने लगता है, तो इसमें उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया इस केस में कि कोई मेडिकेशन नहीं ले रही, उसको ब्लीडिंग भी नहीं हो रही और मेडिकेशन भी नहीं रही, ठीक है। तो यानी उसको हिमोलिसिस हो रहा है और एंजाइमोपैथी उसको नहीं है, ठीक है। अब पेरिफेरल फिल्म अगर आपको दिखा दे कि उसमें RBC फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, तो आप कंसिडर करेंगे माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया, यानी कि थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा या ट्रॉमा वगैरह में हो सकता है, ठीक है। अब फीचर्स ऑफ हेमोलिसिस, LFT आप क्यों कराएंगे, यानी कि अगर RBC डिस्ट्रॉय हो रहे हैं स्प्लीन में लिवर में, तो इंक्रीज ब्यूरबिन बनेगा, इंक्रीज LDH होगा, इंक्रीज रेटिकुलोसाइटोसिस होगा, इंक्रीज यूरिनरी यूरोबिलिनोजन होंगे, मतलब ये कि देखें ये इनडायरेक्ट हाइपर ब्लूरिबिनीमिया होगा या अनकॉन्जुगेटेड हाइपर ब्लूरिबिनीमिया होगा, इसलिए कि लिवर में तो वो कॉन्जुगेट ही नहीं कर रहा ना, तो जो कॉन्जुगेटेड ब्लूरिबिनीमिया होता है ना वो यूरिन में आता है, ठीक है। हिमोलिसिस का जो ब्लूरिबिन है तो यूरिन में वो नेगेटिव होगा, लेकिन
उसके यूरिनरी यूरोबिलिनोजन इंक्रीज्ड होंगे, हीमोसिड्रिन भी उसके इंक्रीज हो सकते हैं यूरिन में, और हेप्टोग्लोबिन जो है ना वो डिक्रीज होगी। हेप्टोग्लोबिन वो प्रोटीन है जो एक्सेस हीमोग्लोबिन को बाइंड करती है जब सेल्स हीमोलाइज होते हैं, रेड सेल्स, तो वो हेप्टोग्लोबिन से बाइंड करते हैं ताकि जो है ना वो किडनी से लीक ना हो। लेकिन अब इतनी ज़्यादा हिमोलिसिस हो रही है कि हेप्टोग्लोबिन जो है वो यानी कि सारे पूरे हो गए हैं और अब बचे ही नहीं हैं, तो डिक्रीज आ जाएंगे हेप्टोग्लोबिन अगर आप कराएंगे, और एलडीएच इंक्रीज आ जाएगा। तो ये सारे फीचर्स जो हैं हेमोलिसिस के होते हैं, इंक्रीज ब्यूरिबिन, इंक्रीज एलडीएच, इंक्रीज रेटिकुलोसाइटोसिस, इंक्रीज यूरिनरी यूरोबिलिनोजन, पॉजिटिव यूरिनरी हीमोसिड्रिन एंड डिक्रीज हेप्टोग्लोबिन। सही है। अब मैंने ये लिख लिया है इसमें कि गिवन सिनेरियो में उन्होंने कहा है जस्टिफाई करें, जस्टिफाई ऐसे हो रहा है कि इन दिस केस अ 17 ईयर ओल्ड वुमन इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया विद नॉर्मल एमसीबी सिंस लास्ट 3 मंथ्स, शी हैज़ नो हिस्ट्री ऑफ ब्लड लॉस, सो क्लियरली शी हैज़ हिमोलिसिस। दो ही चीज़ें हो सकती हैं अगर रेटिकुलोसाइट काउंट कराएंगे, अगर रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़े हुए आ रहे हैं ना, तो या तो ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, ब्लड लॉस हो रहा है कहीं से, या फिर हिमोलिसिस हो रही है। तो ब्लड लॉस इन्होंने उसमें एक्सक्लूड कर दिया, तो फिर उसको हिमोलिसिस हो रहा है। शी हैज़ नो हिस्ट्री ऑफ ब्लड लॉस, सो शी क्लियरली हैज़ हिमोलिसिस गोइंग ऑन। हर लिवर एंड स्प्लीन आर एनलार्ज विच शोज इंक्रीज इरीथ्रोपोइसिस ड्यू टू एक्सेसिव आरबीसी डिस्ट्रक्शन। ठीक है, इरीथ्रोपोइसिस हो रहा है तो उसकी वजह से जो है, और सिक्वेस्ट्रेशन हो रही है तो लिवर स्प्लीन बढ़ जाएंगे। देर इज़ अ शी इज़ अ यंग पेशेंट, सो हेरिडिटरी हिमोलिटिक अनीमियाज आर लाइकली डायग्नोसिस लाइक बीटा थैलेसीमिया मेजर और हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस। शी इज़ नॉट टेकिंग एनी ड्रग, सो हेरिडिटरी एंजाइमोपैथीज आर अनलाइकली। ठीक है, क्योंकि जो एंजाइमोपैथीज होते हैं उसमें तो पेशेंट तो नॉर्मल होता है, लेकिन स्पेसिफिक मेडिसन से वो प्रेसिपिटेट हो जाता है हिमोलिसिस। बट इन्फिल्ट्रेशन ऑफ एक्सेस सेल्स कैन रिजल्ट इन स्प्लीनोमेगैली। अब दूसरी कंडीशन क्या है, एक्सेसिव इरीथ्रोपोइसिस की वजह से या एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन की वजह से लिवर स्प्लीन एनलार्ज हो रहे थे, लेकिन दूसरी कंडीशन में इसलिए एनलार्ज हो सकते हैं कि हो सकता है इन्फिल्ट्रेशन हो गई हो अनकंट्रोल्ड सेल प्रोडक्शंस की। ठीक है, तो आप वो भी कंसिडर करें इसमें, इस पेशेंट में। तो उसमें क्या हो सकता है, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ एक्सेस सेल्स कैन रिजल्ट इन स्प्लीनोमेगैली एंड हिपेटोमेगैली, सो ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा आर ऑल्सो द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ठीक है, तो इसको ज़रूर आप कर लें। तो ये एक बहुत अच्छा सा, इससे आपको एक ओवरऑल पिक्चर मिल गई है कि अगर हिमोलिसिस हो रहा होगा तो आप किस तरह से, या ब्लड लॉस हो रहा है तो आप किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे ना, सारी चीज़ें कैसे एक्सक्लूड करेंगे और कैसे इंक्लूड करेंगे। और रेफरेंस जो है मैंने लिया है वहीं से जो मैं पढ़ती हूँ, यानी कि हैरिसन्स प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन 20th एडिशन 2022, जो लेटेस्ट अभी तक है हमारे पास। तो प्लीज़ ज़रूर आप मुझे लिखिएगा कि आपको ये कैसा लगा। ठीक है, गायब ना हो जाएगा आप लोग। और पिछले दिनों मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, मेरी तबीयत भी ख़राब थी, कुछ छुट्टी मैंने ली हुई थी हॉस्पिटल से भी और अपने कॉलेज से भी 2 हफ्ते की, तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच हो गई थी और मैं कुछ मुझसे हो नहीं रहा था काम ना, तो इस वजह से। लेकिन इंशाल्लाह मैं बेहतर हो गई हूँ, जाने लगी हूँ कॉलेज भी हॉस्पिटल भी, तो आपके लिए ज़रूर मैं कैरी ऑन करूँगी। लेकिन आप मुझे कुछ तो तसल्ली दे देना, आप लोग तो भाई बताते ही नहीं हैं मुझे कुछ, इतनी मैं आपका इंतज़ार करती हूँ, एक आप जुमला नहीं लिख सकते मुझे, प्लीज़ लिखिए। ओके, खुदा हाफ़िज़।